दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म बागी 3 के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म बागी 3 6 मार्च से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है। बागी 3 फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म की बजट लगभग 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 के कलेक्शन पर कोरोना वायरस का साफ असर दिखाई दिया। कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर थिएटर को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बागी 3 के स्क्रीन कम हो गए हैं, जिसका असर फिल्म के कलेक्शन पर साफ दिखाई दिया। फिर भी टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 पहले दिन जबरदस्त कारोबार करने में सफल रही है। पहले दिन बागी 3 मूवी ने शानदार कमाई करते हुए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी। अगर बात करें बागी 3 मूवी के पहले वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो बागी 3 मूवी पहले वीक 90 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही। वहीं अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 मूवी के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो कोरोना वायरस की वजह से फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट हुई है। अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 12वें दिन सिर्फ 5 लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से बागी 3 मूवी की 12 दिनों की इंडिया नेट कलेक्शन 96 करोड़ 42 लाख रुपए हो जाती है। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो बागी 3 मूवी की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो बागी 3 मूवी की ओवरसीज कलेक्शन लगभग 23 करोड़ रुपए हो जाती है, जबकि 12 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 114 करोड़ रुपए पहुंच गया है। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। बागी 1 और बागी 2 की सफलता के बाद इस फिल्म में भी भरपूर एक्शन दृश्यों को दिखाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आपने बागी 3 मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको बागी 3 मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।